जब हम रजौरी पहुंच जाते हैं तो जिन्होंने जागरण करवाया था उन्होंने अपने घर पर ही बुलाया था कि खाना वगैरह आप वहीं आपके खा लो, क्योंकि लंगर का खाना था तो लंगर का खाना तो होता ही टेस्टी है। तो हमने लंगर का खाना वहीं खाया और खाने के बाद हम निकल पड़े महारानी के दर्शन करने के लिए। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है तो अब सीधा निकलते हैं जहाँ धाम में कीर्तन नहीं है, चंडी माता मंदिर के पास में कीर्तन है तो वहीं चलते हैं। अभी वहां पर जाकर पहले माता रानी के दर्शन करते हैं और उसके बाद हम फिर कीर्तन करेंगे। अभी रेस्ट भी गाड़ियों का काफिला है साथ में, साथ में गाड़ियों का काफिला भी चल रहा है। 5-7 गाड़ियां हैं, 10 गाड़ियां हैं तो वो आगे पीछे चल रही हैं। जैसे 2 गाड़ियां आगे जा रही हैं, हम बाकी हमारे पीछे आ रही हैं तो ये सीधे सभी गाड़ियां साथ में गुरु जी हैं तो महारानी के दरबार में दर्शन करेंगे फिर आगे रात को कीर्तन करेंगे। एक गाड़ी ये है और उसके आगे वाली गाड़ी है और एक वो पीछे आ रही है और उसके पीछे भी काफी है तो लाइट के कारण दिख नहीं रही होगी आपको। महारानी पूरा सम्मान दे रही है दर्शन करवाने से पहले। और जब हम मंदिर के लिए चढ़ाई चढ़ रहे थे गाड़ी के रास्ते से वहां पर दूर से मेला दिख रहा था और जगमग कर रहा था लाइटिंग से तो इतना सुंदर लग रहा था आपको हम बता नहीं सकते। व्लॉग में चाहे इतना अच्छी तरीके से नजर ना आ रहा हो पर जब हम अपनी आंखों से देखते थे तो बहुत ज्यादा सुंदर लगता था देखने में। तो आप देख ही सकते हो वन वे रास्ता है महारानी के दरबार में जाने के लिए गाड़ियों के लिए और जहां से लोग पैदल जाते हैं उनके लिए सीढ़ियां हैं नीचे से। और जब हम पहुंचे तो वहां गुरुजी महाराज भी पहुंचे हुए थे जो पैदल यात्रा कर आ रहे थे और हम भी पहुंच गए थे। उन्होंने हमारे स्वागत के लिए अनार और रॉकेट चलाना शुरू कर दिए। दरबार में पहुंचने से पहले आपको थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी जो सीढ़ियां थोड़ी सी पथरीली थी, थोड़ी सी वो सीढ़ियां चढ़कर हमने महारानी के दरबार में पहुंच गए। वहां पर काफी और भी आयोजक और भक्त पहुंचे हुए थे और लो जी हम महारानी के पावन दरबार में पहुंच गए। हम तो दर्शन कर ही रहे हैं और आप भी दर्शन कीजिए। मंदिर में माथा टेकने के बाद हम आयोजक के घर आ गए। उन्होंने कहा था आप हमारे घर आ जाओ और घर आकर रेस्ट कर लीजिए। जब हम घर पहुंचे उन्होंने बड़ा छोटू सा डॉग पाला हुआ था, ये स्ट्रीट डॉग था। उन्होंने इससे पहले लेबरा पाला था पर उसकी डेथ हो गई, फिर उनके जो बच्चे थे वो कहीं से स्ट्रीट डॉग उठा लाए जो इतना क्यूट था, देखने में कितना क्यूट लग रहा था। उसके बाद उन्होंने पानी पिलाया हमें। पानी पिलाने के बाद जिन्होंने कीर्तन करवाया है आयोजक उन्होंने अपने घर का रूम दे दिया है, वो कहते हैं आप रेस्ट कीजिए। तो अभी हमारे पास करीब करीब 3 घंटे हैं तो अभी हम रेस्ट करते हैं। तो जैसे सोते हैं सूर्यांशु तो आते सो भी गया है मम्मा के साथ तो मैं भी सोने ही वाला था, याद है मैं ब्लॉग कर लूँ तो हाँ अभी हम थोड़ी देर सोएंगे। खाना वगैरह सब खा लिया है, माता रानी के दर्शन भी कराए हुए हैं, आपको भी करवा दिए हैं तो थोड़ी सी रेस्ट करते हैं उसके बाद फिर कीर्तन के लिए चलते हैं। हम तो सोए हुए थे, पापा अचानक ही रूम में आए, उन्होंने कहा कि आपकी एंट्री आ गई है तो आप कपड़े पहन लीजिए। तो उसके बाद इतनी जल्दी थी कार्य की तो मैंने व्लॉग का एक भी क्लिप नहीं बनाया तो मैं इसलिए सीधा ही अब कीर्तन में दिखा रहा हूँ। उसके बाद अब हम स्टेज पर चढ़ने के लिए आ गए हैं, महारानी की भेंटे गाने के लिए हम आ गए हैं तो थोड़ा सा आपको हम क्लिप दिखाते हैं कैसा नजारा था महारानी के भव्य और सुंदर कीर्तन में। जागरण करने के बाद इतनी दुनिया की भीड़ थी हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए, आप पूछिए मत आप देखिए बहुत ज्यादा भीड़ थी। उसके बाद आयोजक आए उन्होंने हमें यहाँ से इतनी प्रेमियों के बीच में से निकाला। उसके बाद हमने महारानी के दरबार में एक वीडियो बनाई जो जल्दी ही आपको हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। जब हम यहाँ से निकले थे ना तो बहुत ज्यादा जल्दी थी तो मैं ब्लॉग कर नहीं पाया, कपड़े डाले और सीधा ही बस कीर्तन के लिए चले गए तो इतनी ऊपर थे हमें मन में था कि ठंड होगी और वहां पर जो हम झूमे या नाचे तो एकदम गर्मी लग रही थी तो मैंने तो उतार लिए, मैंने पजामा भी पहना हुआ अभी सूर्यांशु उतारे का कपड़े तो बाकी सब ठीक है। तो अभी चलते यार घर के लिए, दिवाली शुरू हो चुकी है, कोई लोग कह रहा है 31 को है दिवाली, कोई कह रहा है 1 को है, हम दोनों दिन मना लेंगे कोई क्या प्रॉब्लम है। तो अभी तो घर चलते हैं वहां जाके अपने अपने दिवाली के लिए जो जो लेना है अभी वो भी शॉपिंग भी करते हैं, चलते हैं यार। अभी हम घर के लिए निकलने वाले थे फिर पापा कहते कि 5 बजे निकलते हैं क्योंकि ये जम्मू का इलाका है तो इससे अच्छा यही है कि सेफ्टी के लिए सुबह 5 बजे निकले, 5 बजे निकलेंगे तो कम से कम हमें जम्मू नहीं रजौरी, हाँ रजौरी और रजौरी में जम्मू में आता है तो इसलिए अभी हम सुबह 5 बजे निकलेंगे। अभी थोड़ी देर सोते हैं यार तो अभी अब फ्री है, अब बिल्कुल थोड़ी देर रेस्ट करते हैं तो सुबह 5 बजे निकलेंगे। यार अभी बज चुके हैं 6 बजने वाले, अब तो एकदम नींद अच्छी से पूरी कर ली। मंडल वाले घर में ही नहीं है, वो तो इतने रिलैक्स है
वैसे जम्मू में लोग सोचते हैं कि डर वगैरह होगा, वो तो एकदम रिलैक्स है, उन्होंने तो घर हमारे भरोसे छोड़ा, अभी खुद वो अभी कीर्तन में है। तो अभी हम ऐसा करेंगे, अभी लगा जाएंगे लोग, यहाँ पर इनके किराएदार भी रहते हैं, हम उनको दे देंगे चाबी और हम निकलते हैं अपने घर के लिए। घर पर जाके अभी पटाखे भी लेने हैं, तो अभी और भी चीज़ें लेनी है, वो मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा, इसका भी ब्लॉग साथ में चलेगा। तो अभी बजे हुए हैं हिमाचल के 6, तो देखो कितना अंधेरा है बाहर, तो जहाँ पर जगह थी उसके सामने देख लो कैसी जगह थी, डर तो लगता ही है भाई। फिर भी हमने दोबारा घर वगैरह लॉक किए, चाबी उनको दे दी थी, उसके बाद हम अपनी गाड़ी के लिए सामान वगैरह रखने के लिए हम बैठ गए अपनी गाड़ी में। सुबह बहुत ज्यादा ठंड हुई है यहाँ पर, गाड़ी अंदर से बिल्कुल ठंडी हो चुकी है और बाहर भी बहुत ज्यादा ठंड है। रात को नहीं लगी थी, रात को हमने जब नॉर्मली कुर्ते पहने थे वो सीधे ही शायद नहीं लगी होगी, पर अब ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। और देख लो जी रजौरी के पहाड़ों की धुंध, इतनी ज्यादा धुंध कि भाई साहब सामने कुछ दिख नहीं रहा, पर मैं अपने ड्राइवर भाई को सल्यूट करता हूँ जो 20 की स्पीड में पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे हैं। तो देख लो जी अभी बजे 7:30, तो एकदम देख लो धूप चढ़ने लग पड़ी है, सूरज निकलने लग पड़ा है। 6 बजे इतना अंधेरा था, धुंध थी, पर अब सब कुछ ठीक है, जैसे कुछ था ही नहीं, हम सब तो सोए हुए हैं एकदम। सोचा मैं कल फोटो बना लूं, वो दोनों तो सो रहे हैं, तो ये दोनों सो रहे हैं, तो हम कल इसी जगह पर आए थे, बड़ा अच्छा व्यू था। और पापा ने ये सुंदर पहाड़ों को देखकर एक नए भजन की लाइन लिख दी और ऑन द स्पॉट इस वीडियो में गा दी थी, तो जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा तो ये भजन लीक हो जाएगा। अब समझिए एक नया भजन हम लेके आने वाले हैं बालाजी महाराज का, क्योंकि अभी पापा ने ये पहाड़ों को देखकर बड़ा सुंदर सा भजन लिख दिया है, तो इसी के लिए पापा वही भजन गुनगुना रहे हैं। हम नहीं बताएंगे क्योंकि दूसरे कलाकार फिर उठा लेंगे ये भजन। गाड़ी में थोड़ी सी ब्रेड पड़ी थी, पापा के दिमाग में आया कि यहाँ पर काफी सारे बंदर हैं तो बंदरों को ब्रेड खिला देते हैं, पर बंदरों ने बड़ा खुश होकर ये ब्रेड खाई। पापा ने 4-5 पैकेट कोई दुकान से ले लिए और बंदर ये खुश होकर खा भी रहे थे, और देखकर कितनी खुशी हो रही है, ये छोटे छोटे से जीव कितने सुंदर से जब ये खाना खाते हैं कितने प्यारे लगते हैं। हिमाचल जाते हैं, जम्मू जाते हैं, तो इस बंदरों के लिए कुछ ना कुछ लेके जाया करें, क्योंकि हमारे सिवा इनका कोई नहीं है, हम बंदरों को खाना डालते हैं और वो आगे से खुश होते हैं, तो किसी की खुशी में खुशी मिलना सबसे बड़ा कर्म है। सुबह 6 बजे निकले थे, अभी बज रहे हैं 10:30, तो अभी हम फिर से वहीं रुके हैं जो शुरुआत में भी लोग के जहाँ हमने कुलचा खाया था। तो मैं ऐसा करूँगा क्योंकि सेम ही भी जाएगा प्रोसेस, तो अभी सीधा जाकर मैं घर जाके व्लॉगिंग करूँगा, क्योंकि अभी तो हमें दिवाली इंजॉय करनी है, तो मैं दिवाली का ही आपको सीधा दिखाऊँगा, अभी ज़्यादा फिर लंबा हो जाएगा, सेम ही है। तो अभी खाना खा लेते हैं, अभी हम घर आ चुके हैं, घर आके नहा धो लिया है, पटाखे ले लिए हैं, अभी थोड़े से और लेंगे और मिठाइयाँ वगैरह लेके आ चुके हैं, तो अभी बस पूजा स्टार्ट होने वाली है, तो फिर पूजा करते हैं, उसके बाद अपनी दीपावली पटाखे वगैरह चलाने शुरू करते हैं। तो अभी ठाकुर जी को जलेबी का हम भोग लगाते हैं, ठाकुर जी के लिए आ गया जलेबी का भोग। जी ठाकुर जी के भोग का प्रसाद आ चुका है, जलेबी का खा कर देखते हैं। भाई जलेबी बहुत मीठी है यार। धन्यवाद प्रभु, ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो आप मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में, क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। एक मिनट, क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट, आपने हमें बता दिया है तो बता ही नहीं यार। ऐसा करते हैं, एक बम का पैकेट चला के आते हैं यार, गोला चलाते हैं, गोला गाइस गोला, तो चलाते हैं यार एक बारी। चलाते हैं यार, खत्म करें ये यार, चलाते हैं यार एक, मैं पीछे रहूंगा। इस बम की ना सबसे पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा इसका फ्यूज होता है वो थोड़ा सा उतार लो, क्योंकि ये बम एक साथ ही चलता है तो ये चोट ना दे, से अच्छा तो यही है। चला लेते, मेरे से हाथ में नहीं चलेगा। चल गया चल गया।
जो अभी छत पर हम दिए रखेंगे उसकी तैयारी कर रहे हैं, तिल वगैरह डाल दिया है, ज्योत भी सजा दी है। अब जब मंदिर की मेन ज्योत जलेगी उसके साथ हम दिए जलाएंगे और फिर छत पर सजाएंगे। मैं ते मेरी माँ दोवे एक दूजे दे दिल विच रहने आ, गल्ला सुन के असी हुलारा करदे आ, इकट्ठे बहने आ जुगो ना। ज्यादा पटाखों से डर लगता है तो ज्यादा वो फूल चढ़ियां चलाता है। ए चल चलाएगा नहीं, वो चला भी लगाया हुआ है, जा चला। अभी मुझे कोई भी पटाखा पसंद नहीं है। देखो तुम्हारे लिए मैं बड़ा अच्छा लेके आया, तुम जलाते हो हम देखते हैं, देखने वाले को ज्यादा मजा आता है। इसी प्रकार अपने दिवाली अपनी एंजॉय की, और आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको मिलूंगा कोई और अच्छे व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।